अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर वी व्लॉग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, लेकिन आज मैं ठीक नहीं हूँ। मैं क्यों ठीक नहीं हूँ कि मुझे बुखार हुआ हुआ है और जुकाम लगा हुआ है। आजकल जरसीम फैले हुए हैं बहुत ज़्यादा, आँखों का जो है खासतर जो है ना वो मसले आ रहे हैं, लोगों दर्द हो रहा है। ये एक जैसे कोरोना आया था, ये एक बीमारी आई है, ठीक है ना। अच्छा, ये एक वायरस है जो मतलब कि ख़राब कर रहा है हर एक इंसान के आँखों में, बिल्कुल बुखार जैसे मुझे भी अभी है। तो खैर, अल्लाह ताला इजाज़त फरमाएगी मैं ठीक हो जाऊँगा। आप सब लोग भी दुआओं से तो बचें यार, अपनी सेहत को बचाएं। मेरी दुआ यही है कि आप सब लोग बच बचाएं और गुजारा करें। हर दूसरा तीसरा बंदा बीमार है, जैसे कि अभी ये बैठे हुए हैं और ये भी बीमार है, ये माली हैं। तो खैर यार, अभी इधर से मैं निकल के चल रहा हूँ गाड़ी पे। तो कल मैंने शॉर्ट से रिव्यू बनाया था, शॉर्ट से रिव्यू दिया था मैंने, वो इस वजह से कि भाई सुबह मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने पूरा व्लॉग नहीं बना पाया। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और अभी मैं घर जा रहा हूँ। घर जा के कपड़े शपड़े एक्सचेंज करने और भी काफ़ी सारे काम करने। तो यार लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने भाई को सपोर्ट करो साथ अपने भाई को। तो आपका भाई जल्द इंशाल्लाह न्यू गाड़ी भी लाएगा, न्यू चीज़ें भी होंगी। भाई बाइक नहीं निकाला जी, मैं सब सी एन जी पम्प पे आ चुका हूँ और सी एन जी रिफिल करवा रहे हैं गाड़ी में। वो गाड़ी में सी एन जी सिर्फ एक बत्ती है सामने, तो अभी जुड़वाते हैं फिर निकलते हैं। कहा ये जी, मतलब मैं अभी अपने स्कूल में हूँ, कोई दाखिले का पता करने आया था। वो कह रहे थे दिसंबर में नहीं हूँ दाखिले होंगे, तो अक्टूबर भेज दो, अभी फ़ायदा नहीं है। तो खैर अभी वापस चलते हैं, निकलते हैं फटाफट से। ये मैंने बताया भी था आपको, ये दीवार गिरी हुई है, कुछ लोगों के ध्यान में भी सवाल होगा जुने। तो भाई ये दीवार तब गिरी है कि ये यहाँ पे इस जगह पे जो है ना वो लगा हुआ था, तूफान आया था ना, सारी दीवारें अंदर गिर गई हैं, सारी पीछे तक दूर तक, क्योंकि पहले ये बिल्कुल ठीक होता था। यार अभी यार मैं घर से निकल रहा हूँ और बिल्कुल फ्रेश फ्रूश, अभी एक मिनट हुआ हुआ हूँ, गाड़ी निकालता हूँ और गाड़ी निकाल के मैं चलता हूँ अपने दफ्तर, हमारी सिटी में दफ्तर में, और जाके वहाँ पे ठूसते हैं खाना भी। खाना नहीं खाया, खाना से ना खाते हैं और दो तीन काम वो भी करते हैं। लाइक सब्सक्राइब मारना ना भूलो और अभी करो, माइक काल चुक दो, माइक मतलब नम कर दो, ठीक है ना। तो ये चक्कर है, अभी जल्दी करो सब्सक्राइब करो, खैर चलते हैं। ये गाँव है मेरा और मेरी गाड़ी इधर खड़ी रहती है पक्की, ठीक है। अभी बैठते हैं, ठंड हो गई है आज, गाड़ी सी लाई थी मैंने कि मुझे लग रही थी ठंड एक चीज़, दूसरा मेरी तबीयत ख़राब थी, हवा लग रही थी मुझे। मैंने कहा हवा का यही हाल किया जा सकता है कि भाई हम ये करें, ये क्या हो गया, हम हवा का यही हाल करें भाई, गाड़ी देख जाए क्या चलते हैं। जनता माफ़ नहीं करेगी। अभी जी मैं निकल के चल रहा हूँ हरिपुर के लिए, इसकी गाड़ी का पेट्रोल चालू करवाते हैं, मसला बन रहा है, पेट्रोल नहीं चल रहा है इसका, वो भी चलाते हैं। बाकी किसी ने पैन मैं सुनेगा कुछ, ये देखो बेट कर दिया है कवे शवे किसी चीज़ का, तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। ये गाना बड़ा मजेदार है यार, सिद्धू मूसे वाले का। अभी मैं घर पे आ पहुंच चुका हूँ, ये खड़ी है गाड़ी और अब चल के बाइक निकालते हैं। कुत्ता भी पहुंच गया अपना, मेरा बाइक, बाइक के ऊपर चीज़ें सीने कपड़े शपड़ा दिया हुआ है, उसको उतारते हैं कपड़े को। इसके रखते अपना बाइक अभी निकालते हैं, उसको स्टार्ट करके बाजार लेके चलते हैं। One hour later. बाइक मेरा लग चुका है, इधर से मैं इधर ला के खड़ा किया है, इधर से पीछे का अवस्था पाए हैं
उसके लगी है इधर, मतलब मार दिया उसने ना मेरा बाइक। और यार उसकी बच्ची थी एक, और वो यकीन मानो एकदम कह ना अंकल ना, वो डर गई थी बच्ची छोड़ दी यार, तो मुझे नहीं पता था। और ये अब ये जो है ना नया लगाएंगे ये लाइट, खैर चल के लगा देते हैं, मुश्किल नहीं है, ये नहीं लगा देंगे। अब निकलते हैं। घर आके मैंने गाड़ी निकाल ली थी, और गाड़ी निकालने के बाद अभी इस बाईपास पे आ चुके हैं। बाईपास में आया हूँ, ये बिलाल है मेरे साथ, ये गाड़ी सीख रहा है, इसको सिखा रहा हूँ मैं, तो साथ दे पी रहा हूँ। तो यार बड़ा मज़ा आ रहा है, ये देख सकते हो गाड़ी मेरी मेरे पास है, और मेरी आज बाइक अभी बंदे ने ठोक मतलब ठोक दिया पीछे से ना, अब वो साइड पर आने टूट गया, तो कल कराएंगे वो इंशाल्लाह। अभी निकल के चलते हैं, अब जरा चक्कर शक्कर मारते हैं, इसको देते हैं जरा। अभी जी मैं ये बाजार से जा रहा हूँ, बाजार पूरा डेकोरेट हुआ हुआ है, बहुत पूरा बाजार है, देख सकते हो कितना मजे का लग रहा है ना माशाल्लाह। Two hours later. अभी मैं युवकों जी इधर जरा चेक कर लिया जाए, ये अभी लेके चलते हैं इधर, ये अलीपुर में है बाजार है। अभी यार मैं चौक पे आया हूँ, ये मोची बाजार चौक है, और शवरमा यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ मैं, ये दिल कर रहा था हल्का सा ट्राई करने को, तो ये शवरमा है, शवरमा को ट्राई करते हैं। तो यार अभी मेरा बर्गर कार्डो दिया था वो आ चुके हैं, और घर से कॉलेज में आ रही हूँ, जल्दी पहुँचना हूँ, बाज रहे हैं, और ये रहा बर्गर अपना, ठीक है अभी इसको पकड़ के चेक करते हैं कैसा ये पैन, क्या करूँ यार। The next day. Hello G and assalamu alaikum, welcome back another vlog and vlog today. यार आज का vlog today का start करने से पहले जिन्होंने subscribe नहीं किया subscribe का button मार के like कर, subscribe करना ना भूलें। ऐसे तो नहीं होता है। subscribe button मार के bell icon on करो, ठीक है। और आज का मजेदार vlog start हो रहा है हमारे घर के बाहर park से, और आज मेरा bike खड़ा है, और पिछले बार में जिन देखा उनको पता होगा भाई हमारा बाइक लग चुका था, डुज हो चुका था, ये देख सकते हो, ये टूट गया था पिछले बार में। क्यों टूटा था, उसकी रीज़न यही बनी थी भाई कि एक मुफ्ती साहब से वो जा रहे थे, और वो जा नहीं रहे थे, वो आ रहे थे, तो मैंने बाइक नीचे उतारा और खड़ा किया जाम में, कल आपको जगह दिखाई थी पीछे, उस जगह पर खड़ा किया, और पीछे से मुफ्ती साहब आए, ब्रेक नहीं लगी गई, गाड़ी में लग गई, उनकी छोटी बच्ची गाड़ी भी बैठी हुई थी आगे उनके, तो वो बच्ची कह ना अंकल ना ना अंकल ना दुख के साथ ना, तो मुझे उतारा सा आ गया, तो मैंने कहा मुफ्ती साहब कोई बात नहीं, और सारा बच्ची को कहा खैर बेटा कुछ नहीं हम कहते ऐसे मुँह ऐसे किया था, उसने कहा मुफ्ती साहब ने कहा मैं बना देता हूँ, मैंने कहा कोई बनाने की जरूरत नहीं, मुफ्ती साहब आने इन बाइकों के नौकर हैं और हम करवाएंगे, आप चले जाएँ। मुफ्ती साहब मगरब का टाइम था, नमाज के लिए कहीं जा रहे थे, चले गए। तो खैर हमने आज इस बाइक की ये नो प्लेट ये ब्रेक बत्ती भी लगानी है, पता नहीं कितने की होगी, तो नहीं पता क्योंकि जेन्युइन थी और टूट गई, जलती नजर लग गई मेरे बाइक को यार, माशाल्लाह कहो सब यार, ये चक्कर बात तो सही है। रोशन प्लाजा में आया हूँ, और अभी न्यू लाइट पकड़ते हैं यहाँ से, पता करते हैं रोटी 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 लाइट चाहिए, खाना खा लें, वो खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद लेते हैं। मैं आया हूँ इधर लाइटिन देख रहा था, तो मुझे लाइट पसंद आई है, एक लाइट ये पसंद आई है, दूसरी ये पसंद आई है, ये मुझे उन्होंने लगवा के चेक करवाई है, लेकिन मैं इस बार आपको चेक नहीं करा रहा, उसकी रीज़न ये है कि नेक्स्ट व्लॉग में ये ज़रूर लगी हुई होंगी। अभी ये हमने पकड़ ली है ये वाला, और उसकी बैक लाइट अभी हम चेंज नहीं करवा रहे, हम लगवाएंगे इसके ऊपर सादा बल्ब, बैक साइड पर बैक सादा लगा के ना बीच में उसके बल्ब डालेंगे रंग बिरंगी, ये देख सकते हैं। लेकिन भाई कह रहे हैं मुझे नहीं लाओ, तो कैमरे मैन को नहीं लाऊँगा, कैमरे में आना आप पसंद क्यों नहीं करते, फिर इतना बता दो बताएं ना क्यों नहीं पसंद करते कैमरे का। ये दुकान है और ये बाइक है, इन दुकान वालों के पास मेरी एन के रह गई थी, और आज उन्होंने कहा तुम्हारी एन के रह गई हैं, तो ये ले जाओ, और मुझे इन्होंने दी हैं इन दुकान वालों ने, ठीक है। तो अभी यार इसमें हल्का सा मैंने ये एक लगा दिया, एक ये लिया है अभी लगाया, मैंने कहा ये मज़ा करेगा, तो लाइट इसके आज नहीं लगवाएंगे, ये टूटी हुई हम चलाएँगे अभी फ़िलहाल, कल इसकी सादा कवर लेके उसके बीच में LED बल्ब डालेंगे और मॉडिफिकेशन करेंगे, फ्रंट लाइट भी जो मैंने आपको दिखाई है खोपड़ी वाली वो लगाएंगे। तो आज ये है कि अभी निकलते हैं, चलते हैं बाजार, उसके बाद खलबट चलते हैं। मच मच
थोड़ा काम कराने के बाद ये शाही होटल है रघू का इलाज समझ रहे ना खाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक चाहती है वो भी पीते हैं फिर निकलते हैं अगर आपने खाना है तो सत बिस्मिल्लाह चेक करते हैं भाई शाही होटल की बिरयानी कैसी है मज़ेदार है ये चेक करते हैं मज़ेदार अभी ये बाकी चीज़ें भी आ रही हैं भाई कोल्ड ड्रिंक ले आए ही रह गए हैं यार मैं आ चुका था खलाबाट और खलाबाट में बस काफ़ी सारा टाइम गुजारा था देख सकते हो बिल्कुल हल्की हल्की स्पीड में चल रहे हैं और अलीपुर चलते हैं अलीपुर का माहौल आपको दिखाते हैं आज जो है 11 रबी अव्वल है कल 12 है तो आज के सूरत हाल आपको दिखाते हैं चल के आप देखें मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह An extremely annoying shift later. चेक करो भाई लोग चेक द साउंड ये दिए हैं सारे वाओ नाइस ये दिए हैं भाई इससे भी अच्छा जो है ना बहन बाजार में होगा अलीपुर ये यार कौन सी है कैपरी गाड़ी होगी ये कैपरी है ये कोरोना 2 है यार बड़ी जबरदस्त गाड़ी है यार भाई यार उससे भी छोड़ो ये चीज़ जो आप चेक करो ना इतनी मज़े की है ये चीज़ ना जिसकी दाई कोई नहीं है यार ये चीज़ मेरे अजीज ये चीज़ ये चेक करो भाई लोग क्या क्या बात है भाई लोग क्या बात है ये चेक करो ये बता रही कुछ कंडीशन और बड़ा मज़े की वाइब आ रही है काफ़ी मज़ा आ रहा है ठीक है ना काफ़ी मज़े का सजा हुआ है बाजार पूरा मैं पिछली बार जैसे सजा हुआ था उसकी बस कम है सिर्फ इस वजह से ऐसा हुआ है कि मैं नाइए बहुत ज़्यादा बात दूसरी कोई बात भी नहीं है और रश बहुत ज़्यादा है ये कंडीशन है बाजार की बाइक मैंने यहाँ पार कर दी है और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का माहौल बहुत रश हो रखी है देख सकते हो अभी यहाँ पे एक गुम्बद सा बनाया हुआ है ना बड़ा मज़े का और उस वजह से रश हो रखी है बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ की वीडियो बनाते हैं जब जब हर साल ना ऐसा मेरे पिछले साल का इलाज देखो ना और मुझे आपको ही पता चल रहा होगा भाई ये चीज़ दिखाते हैं हर दफ़ा ये चीज़ दिखाते हैं ये देखो ये सारा सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है बड़ा मजे का बस ये चीज़ होती है हर दफ़ा जो देखने को मिलती है खास कर ये कुछ सीन होता है बस इसके अलावा खास कोई सीन नहीं होता अब बाइक पर लू नहीं है बाइक पर उठा ले जाए भी चल रही है यहाँ पे मैं आपको ये मॉल भी दिखा देता हूँ इन्हें चादर ले ली और अब रोला लगा हुआ है चादर का कि भाई ये देखा है चादर क्या आप नहीं देता है भाई रोला चल रहा है चादर का तो चादर अभी चादर नहीं बनी थी और रोला लगा हुआ देख है रोला लगा हुआ है इनकी चादर है उसने कोप ली है मतलब एकदम उठा घर में रख दी है और ये अब कह रहे चादर वापस करो ये मतलब चादर मुंडे पे रख ये नहीं दे रहा ये धो लो और इसकी चादर है अब चादर नहीं दे रहा इस लड़की की और ये बिलाल क्या है भाई तुमने सांस है उतार लो बुला उतार मुँह निकाल लो पता है ये दबड़ मारेगा ये है बुलगेल चलो अभी दबड़ दोबारा मार है भाई दबड़ नहीं मार ये देखे दबड़ मार है बार बार दबड़ नहीं मारो दबड़ मार है वो कुछ बोल नहीं रहा ओए मारो नहीं ओए
आगे तो पार्क किए तब इस दे चादर उठा कर फिर दे दिए। इसके बाद ना तो भी नौत खान आए हुए जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से मिलके सुभान अल्लाह कह दीजिए। वो जवान कभी ऐसी साहस देखी न थी अपना करे अब तक, न पाया था सुबह इस दीदाए नमनाक ने अब तक, कभी ऐसे नसीबे सुबह के झोंके न आए थे, कभी ना यूं इस तरह खिल के गुंजे मुस्कराए थे। इसी दिन के लिए तो बज़्मे हस्ती को संवारा है, यही मकसूद आलम है, यही खालिक का प्यारा है, ये नक्श आराइया है, एक वजूद पाक की खातिर दौलत की खातिर है, एक वजूद पाक की खातिर ये सब रानाइयां हैं, सैयद लौलाक की खातिर उसी महबूब के हुजूर नजराने अनाज पेश करने के लिए वागंड से तशरीफ लाई अपने मेहमान मोहतरम व मुकर्रम जनाब दानियार यसीन साहब की खिदमत में मुल्तवी से तशरीफ लाए और अपनी खूबसूरत आवाज में बारगाह इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीए अनाज पेश फरमाए। नारा तकबीर, इतना बड़ा मजमा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की किबरियाई का ऐलान जिस रब ने जुबान दी है।